नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। मऊगंज के नरौनी गांव में बच्चा मिला। मऊगंज अस्पताल रहा बंद। डॉक्टरों में संवेदना नाम की चीज नहीं। मऊगंज के नरौनी गांव से नवजात शिशु मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसको ग्रामीणों की सूचना पर 108 के माध्यम से सिविल अस्पताल मऊगंज लाया गया, जहाँ अस्पताल बंद होने से नवजात शिशु के प्राथमिक उपचार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक प्रदीप पटेल भी अपने समर्थकों के साथ सिविल अस्पताल पहुंचकर नवजात शिशु के बारे में जानकारी लेने लगे। नवजात शिशु पूर्णतः स्वस्थ बताया गया है, जिसको एहतियात के तौर पर 108 के माध्यम से रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के संबंध में जब BMO डॉक्टर प्रद्युमन शुक्ला से जानकारी ली गई, तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आइए सुनते हैं और आपको दिखाते हैं डॉक्टर प्रद्युमन शुक्ला BMO सिविल अस्पताल का रवैया। और आप कह रहे हैं कि मालूम नहीं है, क्यों डॉक्टर साहब? आपका उदासीन रवैया, ये और नवजात बेबी है वो, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बोलने को सब नहीं है आपके पास? नहीं है। आप BMO के चार्ज में हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, एग्जामिन कर लूँ ना बच्चे को, सब ना बता पाऊंगा। मैं एग्जामिन तो कर लूँ बच्चे को। वो रीवा के लिए रेफर हो चुका है नवजात शिशु। मैंने नहीं रेफर किया ना अभी, तुम्हें कैसे बोलूँ? सही डॉक्टर, किसी ने किया। आप BMO के चार्ज में हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको पल पल का अपडेट मिले, लेकिन आप जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं, ये कैसी बात हुई? सर, मुझे जानकारी जब मिली तब मैं जैसे आया, अब मैं देख रहा हूँ बच्चे को ले गए अंदर एग्जामिन करने के लिए। अभी आपने देखा डॉक्टर प्रद्युमन शुक्ला BMO सिविल अस्पताल मऊगंज का रवैया। आपने उनके रवैये से खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा कि उनमें संवेदना नाम की क्या चीजें हैं और कितनी हैं। घटना की जानकारी जैसे ही मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को मिली, वह तत्काल ही अस्पताल पहुंच गए। उनका कहना था, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, पहले बच्चे को हम स्वास्थ्य लाभ के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवाएंगे, उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी उसको कराया जाएगा। इस बारे में हमने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल से बातचीत की। अभी हमने देखा है, बहुत प्यारा बच्चा है, और जिसने भी ऐसा कृत्य किया गलत है, पर अब हम चाह रहे हैं कि ये बेबी स्वस्थ रहे, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम यहाँ हॉस्पिटल आए हैं और इसको भेज रहे हैं रीवा में, वहाँ ताकि केयर करने की यूनिट्स भी हैं, तो वहाँ अच्छे से बेबी का केयर हो जाएगा। स्वस्थ होने के बाद भी जो भी प्रक्रिया होगी करेंगे। बच्चे के मिलने की सूचना जैसे ही हम लोग को मिली, हम लोग बच्चे को लेकर तत्काल मऊगंज अस्पताल पहुंचे। यहां पर BMO सहित डॉक्टरों की अनुपस्थिति थी। नर्स ने इसकी देखभाल की। एक गंभीर मसले पर डॉक्टरों का इस तरीके का रवैया काफी चिंता का विषय है। समाज सेवियों ने अपना काम कर दिया। जब बारी आई डॉक्टरों की, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। आइए जानते हैं चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं। हम बात करते हैं विपिन मिश्रा से, जो घटना के चश्मदीद हैं। लोग अपने व्यक्तिगत काम से अपने दोस्त को दिखाने आए हुए थे। अभी यहाँ 108 से एक नवजात शिशु लाया गया, क्योंकि इस टाइम 5:30 का टाइम था और अस्पताल में ताला बंद था, और हम लोगों ने जो यहाँ पदस्थ डॉक्टर हैं पंकज पांडे, उनसे बात करी कि आप इस शिशु को देख लीजिए। उन्होंने देखने से इनकार किया। फिर हम लोगों ने माननीय विधायक जी से बात करी, और विधायक जी ने शायद विधायक जी की बात करवाई हमने सिस्टर से, तो सिस्टर ने उस बच्चे की देखरेख करी, और सिस्टर को उन्होंने उसकी देखरेख करी, और तब तक हम लोगों ने BMO का भी मोबाइल लगाने का प्रयास किया, लेकिन उनका भी मोबाइल बंद मिला। सिस्टर ने देखरेख की बच्चे की। BMO आ गए क्या अस्पताल में? हाँ, 1-1.5 घंटे पहले BMO आया। अभी उनसे बात हुई क्या आपकी? नहीं, हम लोग की कोई बात नहीं हुई। माननीय विधायक जी थे जब से, 1.5 घंटे पहले तो BMO आया। तो आपने सुना घटना के चश्मदीदों ने घटना को किस तरीके से बयां किया। अब हम बात करेंगे 108 के डॉक्टरों से। जी हाँ, बच्चे के मिलने की जैसे ही 108 के डॉक्टरों को सूचना मिली, वो सब बच्चे को मिलने वाली जगह पर पहुंच गए। बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। बच्चे को लेकर वो मऊगंज अस्पताल आ गए। प्राथमिक उपचार
बच्चे का कर दिया गया। जो मिला है ये कहाँ से मिला, कैसे मिला? नरैनी गांव में बगीचे के पास मिला है और किसी ने वहाँ फेंका था कपड़े में लपेट कर, तो गांव वाले चूंकि बगीचे साइड गए तो देखे, जैसे ही देखे कि बच्चा जीवित है उन्होंने तत्काल सूचना 108 एम्बुलेंस की और 100 डायल कर दी, और जैसे ही हमें सूचना मिली तत्काल हम लोग 20 से 25 मिनट वहाँ पहुँच गए हैं और बच्चे की जो प्राथमिक उपचार होता है वो करते हुए रास्ते में हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल में बने। बच्चा स्वस्थ है? बच्चा स्वस्थ है, एक्टिव मूवमेंट है, गुड क्राइंग है, नो एनी प्रॉब्लम। इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? इसको हम ट्रीट करेंगे जैसे अभी सक्शन की जरूरत होती है सक्शन करेंगे, रास्ते पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन देंगे। इसके पहले हमने कार्ड क्लैंपिंग कर दी है, सक्शन भी कर दिया था, है ना, फर्स्ट एड हमने दे दिया था पूरा और तब शिफ्ट किया था आपके मोबाइल हॉस्पिटल। अब खतरे की कोई बात नहीं, अब आगे बच्चे को लेकर रीवा जाएंगे। कुछ यह कहना था 108 के डॉक्टर जनार्दन पटेल का। आपने बीएमओ को सुना, आपने मऊगंज विधायक को सुना, आपने चश्मदीदों को सुना, आपने 108 के डॉक्टरों को सुना। क्या आपको लगता है किसी में संवेदना नाम की कोई चीज थी, और थी तो कितनी? इस खबर को देख के आप स्वयं अंदाजा लगा लिया होगा। सबसे पहले संवेदना जिसमें होनी चाहिए थी वो थे मऊगंज डॉक्टर बीएमओ, बाकी सब ने तो अपना काम किया। क्या डॉक्टरों ने अपना काम किया? पहले तो किसी माँ ने अपने बच्चे को फेंक दिया, फिर वही डॉक्टरों ने बच्चे को उस तरीके से देखभाल नहीं की जैसे होनी चाहिए थी। माना जा सकता है आज के आधुनिक समाज में संवेदना की कोई जगह नहीं।